सो हेलो दोस्तों, सो दोस्तों क्या आपको पता है कि यार जियान की मॉम सिर्फ एक हाउसवाइफ ही नहीं है बल्कि वो उससे भी ऊपर है। और यार मैं एक डोरेमोन का एपिसोड देख रहा था, सो उसमें मुझे एक ऐसी पिक दिखी जिसको देखकर मैं शॉक हो गया। सो दोस्तों ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो आपके बस दो काम है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मेरी Q&A वीडियो भी बहुत जल्दी आ रही है। सो वीडियो के खत्म होने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को शुरू। सो बढ़ते हैं हमारे पहले मिस्टीरियस अननोटिस्ड थिंग की तरफ। सो यार मैंने एक एपिसोड देखा डोरेमोन का, सो उसमें ये है प्लेग्राउंड की पिक्चर और इसमें आप लेफ्ट वाला हाउस देखो, ये बिल्कुल ही नोबिता का 2005 एनिमेशन वाला हाउस लग रहा है, क्यों है ना। सो आपको एक और शॉकिंग पिक मैं दिखा देता हूँ। सो आपको पता है कि नोबिता के शहर में एक माउंटेन है जिसको वो स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी बोलते हैं। सो अगर आप माउंटेन को गौर से देखोगे तो माउंटेन्स के जंगल में एक घर है। सो यार शॉकिंग बात तो ये है कि यार जब मैंने दूसरी फोटो देखी माउंटेन की, सो उसमें वो घर ऑटोमेटिकली गायब हो गया। सो यार ये कैसे हो सकता है, एक फोटो में हमें पूरा क्लियरली वो घर माउंटेन पर दिख रहा है। सो यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग लगी। सो यार एक और मिस्टीरियस थिंग है कि यार जब भी नोबिता का चश्मा टूट जाता है और जब नोबिता अपना चश्मा उतारता है तो यार उसकी आई 3 की तरह दिखती है। लेकिन यार मिस्टीरियस थिंग तो ये है कि यार हमें मूवीज में दिखाया गया है कि नोबिता जब भी अपना चश्मा उतारता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। सो यार मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो वो कभी कभी हमें नोबिता को हैंडसम दिखाते हैं जब वो चश्मा उतार लेता है और कभी कभी नोबिता को भोंदू सा दिखाते हैं। सो यार आपको क्या लगता है कि यार नोबिता की आई 3 की तरह क्यों हो जाती है चश्मा उतारने पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो। सो मैं अगली मिस्ट्री की बात कर देता हूँ। सो यार आप जियान की मॉम को तो जानते ही होंगे। सो यार आपको लग रहा होगा कि यार जियान की मॉम एक सिंपल हाउसवाइफ है, लेकिन अगर आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं एक डोरेमोन का एपिसोड देख रहा था और उसमें मुझे ऐसी चीज़ पता चली जो कि यार 100% गारंटी है कि आपको नहीं पता होगी। सो यार आपने ये ब्रिज वाली प्लेस तो डोरेमोन के एपिसोड्स में देखी होगी, जहाँ पर नोबिता और उसके साथ ही यहाँ पर कभी फिशिंग करने के लिए आते हैं और कभी बेसबॉल खेलने के लिए आते हैं। और यार यहाँ पर हर साल एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि कई एथलीट्स भागते हैं और यहाँ पर आकर वो खाना खाते हैं। और यार आपको एक जानकर हैरानी होगी कि यार जियान की मॉम उन सभी एथलीट्स को खाना खिलाती हैं। जियान की मॉम की एक पूरी टीम है। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, जियान की मॉम हॉटपॉट की जनरल भी हैं। सो यार हॉटपॉट जनरल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, जियान की मॉम एक बहुत बड़ी जनरल है। सो यार ये मुझे मिस्ट्रीज डोरेमोन के एपिसोड्स में से पता चली। सो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग कौन सी लगी। सो मुझे तो माउंटेन पर वो घर था वो यार अभी तक कंफ्यूज कर रहा है कि यार वो एक फ़ोटो में आता है और दूसरी में गायब हो जाता है। सो यार आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।